मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ स्नेहा राय फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल बक्सर। टूडे आई एम गोइंग टू टीच साइंस फ्रॉम क्लास 6। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। टू नो अबाउट द वायरस एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग बींग्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्टडीड। टू नो अबाउट द वायरस, हम सभी लोग इस वायरस के बारे में जानते हैं, जो लिविंग बींग्स यानी कि जो सजीव प्राणी होते हैं उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के गुण को। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इट सेल। जो इनका फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स और एनिमल में, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ईच स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ए यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है इकाई होते हैं कंस्ट्रक्शंस इकाई से मिलकर बना होता है। मेनी सच यूनिट्स को एग्जिस्ट टू मेक अ स्ट्रक्चर्स। जितने भी तरह के इकाई यूनिट होते हैं वो एक स्ट्रक्चर, उनका एक बनावट होता है। इन लिविंग बींग्स दिस यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज अ सेल। और जो सजीव प्राणी होते हैं उनका जो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, जो बनावट होता है इकाई का, इज अ सेल, वो एक तरह का शेल है, कोशिका है। अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो एक कोशिका जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। दोज लिविंग ऑर्गेनाइज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल ओनली आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म्स। दोज लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जितने भी सजीव तरह के सजीव प्राणी होते हैं जिन जो कि केवल एक सेल से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर सेल यानी कि एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। वैसे सजीव प्राणी जो कि अनेकों सेल से अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी कि जो सजीव प्राणी होते हैं वो वृद्धि कर सकते हैं। हैव यू सीन फोटोग्राफ व्हेन यू वेयर जस्ट एन इन्फेंट। हम लोग जब फोटोग्राफ देखते हैं आप लोग, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पहले से चेंजिंग हुआ रहता है। मच हैव यू ग्रोन, आप वृद्धि किए हुए होते हैं। सिमिलरली वी सॉ ए सीड इन अ पॉट ऑफ स्लोली। एक जब हम लोग बीज को लगाते हैं तो वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे बिग प्लांट बड़े पौधे के रूप में ग्रो करता है, ग्रो आउट। दस वी सी दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं और प्लांट होते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन। इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स ऑफ लिविंग बींग्स इज द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स जस्ट लाइक देम। इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स, और रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन। और जितने भी तरह के सजीव प्राणी होते हैं वो प्रजनन करते हैं और प्रजनन करके अपना प्रोडक्शन विकास करते हैं सीजन के अनुसार, या सीजन उनका ऑफ स्प्रिंग भी, जैसे कि ऑफ स्प्रिंग में भी वो अपना विकास करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रजनन। बर्ड्स नॉर्मली ले एग्स फ्रॉम विच बेबी बर्ड्स कम आउट। पंछी जो होती हैं एक अंडे को देती हैं, अंडे को, और अंडे में से क्या निकलते हैं, बेबी बर्ड्स, छोटे छोटे जो चिड़ियों के बच्चे होते हैं वो बाहर आता है। द बर्ड सिट्स ऑन द एग टू गिव वार्मथ टू इट। आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द हैक्ड एग। जो चिड़िया अंडा देती है उससे कुछ दिनों के अंदर उससे जो होता है बेबी बर्ड्स बाहर आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड डू अदर एक्टिविटीज। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं, सजीव प्राणी होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है। फूड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल द लिविंग थिंग्स। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव प्राणी हैं, उन्हें रहने के लिए और उनका विकास करने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें सबसे पहले भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दे आर दस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स।
While animals depend on plants and other animals for their food and are thus called heterotrophs. वैसे जानवर जो कि दूसरे पौधों और जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, इस प्रक्रिया को हेटरोट्रॉप्स कहा जा सकता है। ये हम लोग बैक लेसन में पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। वी ब्रीथ इन रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी श्वसन कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑल्सो गोज ऑन एनिमल्स ऑल्सो गोज इन अदर एनिमल्स ऑल्सो। यह प्रक्रिया जो है वो सभी जानवरों में होती है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओ टू ऑल एनिमल्स वुड डाई। बट जो ऑक्सीजन ओ टू जानवर जो छोड़ते हैं और लेते हैं, बट वेयर डू वी गेट दिस ओ टू फॉर फ्रॉम। लेकिन ये ओ टू जो ऑक्सीजन है ये आता कहाँ से है। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। हम लोग ऑक्सीजन को हवा से प्राप्त करते हैं। इन एयर ऑक्सीजन इज एमिटेड बाय द प्लांट्स बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो पौधे होते हैं ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड विच इज ब्रीथ आउट बाय द एनिमल्स एंड गिव आउट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स। वायुमंडल में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं एंड विच इज ब्रीथेड, जो कि जानवर सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एनिमल्स एंड गिव आउट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स। लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव प्राणी हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो गति कर सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट इन वन फॉर्म और अदर और एनादर। ऑल लिविंग बींग्स शो, जितने भी सजीव प्राणी हैं, शो मूवमेंट, वो दिखाते हैं कि वो गति कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, या एक वस्तु एक से दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं। एनिमल्स कैन वॉक एंड रन। जो जानवर होते हैं वो वॉक कर सकते हैं और रन भी, यानी कि टहल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है। एक्वेटिक बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन स्विम। जो जलीय जीव होते हैं और जानवर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्विम यानी कि तैर सकते हैं। बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल, पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में फिक्स होते हैं। बट दे स्टिल शो सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें कैसे मूवमेंट करना है, कैसे गति करना है, कैसे मूव करना है। हैव यू एवर सीन द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, क्या आप लोगों ने सूर्यमुखी का गति देखा है। द फ्लावर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द सन यानी कि सूर्य की दिशा में घूमे हुए होते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एट पॉइंट है हमारा। योर बॉडी ऑटोमेटिकली मूव्स बैकवर्ड व्हेन इट टचेस समथिंग हॉट, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये लास्ट एंड शॉर्ट टॉपिक है हमारा अभी इसमें का, अभी एट टॉपिक जो कि आज हम लास्ट करेंगे, एट और नाइन। तो इसमें योर बॉडी ऑटोमेटिकली, तो आप लोग का बॉडी या हमारा बॉडी अचानक से मूव कर जाता है, पीछे की ओर हट जाता है जब हम लोग कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं। दिस इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इट वी पुट अ प्लांट नियर अ विंडो, यू सी दैट द प्लांट्स बेंड्स टूवर्ड्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग एक प्लांट्स को जो है वो विंडो यानी कि खिड़की के पास रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा होती है लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ। विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो जिसके लिए फोटोसिंथेसिस यानी कि जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ स्पैन। सो इसको हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें का, और अबायोटिक कंपोनेंट्स ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। सो थैंक यू माय लवली स्टूडेंट।